विदेशी बाजारों में तेजी के रूप तथा देश में शादी विवाह तथा जाड़े के मौसम में हल्के खाद्य तेलों की मांग बढ़ने के कारण देश भर के तेल तिलहन बाजारों में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। विदेशी बाजारों में पोल्ट्री कंपनियों की सोयाबीन के तेल सहित DOC की मांग बढ़ने से सोयाबीन दाना और लूज के भाव भी तेजी के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर सरसों के खुदरा कारोबारियों की मांग बढ़ने के बीच सलोनी शमशाबाद में सरसों का भाव 9,250 रुपए से बढ़ाकर 9,300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जिससे बाकी स्थानों पर भी सरसों तेल तिलहनों के भाव मजबूत होते दिखाई दिए हैं। माना जा रहा है कि जाड़े तथा शादी विवाह के मौसम में सरसों की मांग बढ़ रही है और इसकी उपलब्धता कम हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार देश में सरसों की आवक घटकर 1.5 लाख बोरी रह गई है, जबकि मांग लगभग 3 लाख बोरी की है। जाड़े के मौसम में आगे निरंतर मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सरसों की पूरी तरह से परिपक्व फसल मार्च से पहले मिलने की संभावना फिलहाल नहीं है। वहीं किसान सोयाबीन की उपज कम मात्रा में बाजार में लाते दिखाई दिए हैं और वे कम भाव पर बिक्री करने से भी बच रहे हैं, क्योंकि पहले वे अधिक भाव देख चुके हैं। महाराष्ट्र के धुलिया में प्लांट डिलीवरी भाव 6300 रुपए प्रति क्विंटल पर सोयाबीन का बिकता दिखाई दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।